हेलो दोस्तों, नमस्कार। असु किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फोटा कलेजी। तो हमने कोहरे के पत्ते लिए हैं, उसे भी डाल के बनाएंगे और जो डंठल है उसे भी यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए रेसिपी हम शुरू करते हैं दोस्तों। और कोहरे के पत्ते को काट के और डंठल को काट के उसे साफ कर लेते हैं, उसकी जो रेसे हैं वो निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कोहरे के पत्ते और जो डंठल हैं इस तरीके से हम काट लेंगे, आप ये देखिए। और इसको ऐसे ऐसे पीस कर लेंगे और इसके जो रेशे हैं इस तरीके से निकालेंगे हम। ये देखिए, ये निकल जा रहा है, हमें केवल ये यूज करेंगे। तो इसी तरीके से सभी रेशे हम निकाल देंगे और कोमल पत्ते ले लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कोहरे के डंठल और पत्ते हमने साफ कर लिए और अच्छी तरीके से धो लिए हैं। अब हम लिए हैं अंडा। इस अंडे को इस तरीके से डाल देंगे। तो पोटा कलेजी में दो अंडे हमने डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर डालेंगे, गरम मसाला हम डालेंगे, लाल मिर्च हम डालेंगे, काली मिर्च थोड़ा सा डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो दोस्तों, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिला दिए हैं। अब आइए गैस को जला के इसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, गैस को हमने जला दिया था और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो पोटा कलेजी को हम इस तरीके से डाल देंगे। इसे हम पलट दिए हैं कि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो फोटा कलेजी को हम बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे इसमें, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्ची हम डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे, इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हमारा गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला एक चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी हम डालेंगे आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा तीखी मिर्च लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमारा अच्छी तरीके से भून गया है, अब इसमें हम कोहरे के पत्ते और डंठल डाल देंगे। दोस्तों, अब इसे हम ढक देते हैं और धीमी आंच पे इसे पकने देते हैं। तब तक हम पोटा कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो दोस्तों, पोटा कलेजी को हमने काट लिया है, अब इसे हम डाल देंगे इसमें और 5 मिनट मसाले में भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब दोस्तों, इसमें पानी डाल देंगे, तो जितना आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो उसी हिसाब से पानी डालिएगा दोस्तों। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और इसे ढक के 10 से 15 मिनट हम पका लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अंडे के साथ पोटा कलेजी हमारा आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब बना हुआ दोस्तों। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं दोस्तों और गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना हुआ दोस्तों। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए एक बार इस तरीके से बना के। तो दोस्तों, अंडा पोटा कलेजी रेसिपी हमारा बिल्कुल बन के तैयार है दोस्तों। ये काफ़ी बेहतरीन बना हुआ, खाने में बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। आप देख सकते हैं, इस तरीके से ज़रूर आप ट्राई कीजिए एक बार दोस्तों। तो कितना बेहतरीन और कितना लाजवाब बना हुआ दोस्तों।
तो इस तरीके से बनाएं और परिवार और बच्चों के साथ मज़े से खाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।